सभी को सबका साथ सबका विकास के तहत जोड़े रख रही है। आज का ये शुभ मौका जब 5000 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की नई अत्याधुनिक चीनी मिल का शुभारंभ होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 40 से 50 हजार किसानों को लाभ मिलेगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक उत्साह, एक जोश, एक जुनून है सभी में। आज इन्होंने एक नई दिशा दशा दी है हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, जनपद बागपत के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, जनपद बागपत के ऊर्जावान जो प्रदेश को समृद्धि, विकास और खुशहाली की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं, जिसकी परिणति आज ये नई अत्याधुनिक चीनी मिल का शुभारंभ आपके शुभ कर कमलों से। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों की हमारे बीच बहुत ही ऊर्जावान जो प्रदेश को समृद्धि, विकास और खुशहाली की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं, जिसकी परिणति आज ये नई अत्याधुनिक चीनी मिल का शुभारंभ आपके शुभ कर कमलों से। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों जल समर्पित करते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ सन्यासी सीएम हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उन्हीं के विषय में स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। सभी बागपतवासी सीएम साहब के मंच पे आते ही तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट बचाएंगे उनको लगेगा हेलीकॉप्टर से तेज आवाज बागपतवासियों की कैसे। ये गोरखनाथ का चेला है, अंगारों से खेला है। गोरखनाथ का चेला है, और बल पर माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी के विषय में ये स्वागत गीत आपके बीच में रखेंगे। खूबसूरत बच्चे आई बंजारा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में गीत और प्रोग्राम चालू करें। बंजारा जी आप शुरू करें अपना प्रोग्राम को कि भारत की धरती ये विकास की धरती होगी, समृद्धि की धरती होगी, खुशहाली की धरती होगी। भारत की धरती पर आतंकवाद के लिए, भारत की धरती पर अलगाववाद के लिए, भारत की धरती पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। और कोई जगह ना हो इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी 1952 में जब कांग्रेस ने कश्मीर में छद्म रूप से छल करके धारा 370 लागू किया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था यह देश के लिए घातक होगा और धारा 370 की आड़ में कैसे पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगा रहे थे, यह देश तमाशबीन बना करके पूरा देश देखता था। लेकिन कश्मीर से पलायन होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, वहां का विकास बाधित हो रहा था। आज भाइयों बहनों हम गर्व से कह सकते हैं कि 3 दिन पहले आपने वह दिन देखा होगा जब जम्मू कश्मीर को वहां पर
एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना करके, लेह लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना करके, भारत का संविधान और भारत का विधान पूरी तरह वहां लागू करके उसे भारत की व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया और आतंकवाद को और पाकिस्तान को दो टुक कह दिया गया कि अगर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर तुम्हें तुम्हारी माद में घुस करके मारने का कार्य भी करेंगे। और आज भारत की सेना यही कार्य कर भी रही है। हम सबको विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए और ये कार्य जो वर्षों से नहीं हो पाए थे, लटके हुए थे, चाहे वह दिल्ली सहारनपुर मार्ग का कार्य हो, चाहे वह बड़ौद से मुजफ्फरनगर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य हो, चाहे वह केराना कांदला मार्ग का कार्य हो, या फिर पुलिस भर्ती के साथ साथ यहां पर कावड़ यात्रा के दौरान यहां के श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी से यहां के लोगों को एक नई आशा उनके मन में जगाने का कार्य हुआ हो। अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का आयोजन है 2021 में, और हम लोगों ने कहा है 21 के पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि गंग नहर में हम लोग दोनों ओर की पटरी को टू लेन की बना करके आवागमन को ऐसा बना दें कि यहाँ का श्रद्धालु और कांवड़ यात्रा को हम अनवरत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित रूप से हमेशा के लिए सुरक्षा प्रदान कर सके। इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ने के लिए आज उस प्रक्रिया के साथ कार्य कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। आज हमने रराला में एक नई चीनी मिल दी है और हमारा प्रयास है कि गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर एक नए तीर्थ के रूप में विकसित करके एक नया हरिद्वार की परिकल्पना को भी हम लोग जो यहाँ की वर्षों से मंशा थी उस मंशा को भी पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और उस कदम के साथ आपको जोड़ने के लिए भाइयों बहनों आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जो प्रयास आपने यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को पुनः सांसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के आह्वान पर वोट दिया उसके प्रति आप सबको धन्यवाद देने, चौधरी साहब के प्रति यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने और इस चीनी मिल को यहाँ के किसानों को समर्पित करते हुए कि चीनी मिल यहाँ की समृद्धि, यहाँ के विकास और यहाँ के नौजवानों और यहाँ के किसानों की खुशहाली का आधार बने, इस विश्वास के साथ रमाला चीनी मिल जैसे अन्य विकास की प्रक्रिया के साथ जब भी जुड़ने का सरकार को अवसर मिलेगा, सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस विश्वास के साथ रमाला चीनी मिल के इस विस्तारीकरण नवीनीकरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार पुनः बागपत के आप सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश को नई बुलंदियों की ओर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।